हम लोग बात कर रहे हैं आज काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स क्या होते हैं। तो पहली बात जो है हमारे पास काउंटेबल एक अनकाउंटेबल है, थोड़ा नाम से अंदाजा लगा सकते हैं जिसको काउंट कर सके जिसको काउंट ना कर सके। थोड़े मैथमेटिकल डेफिनेशंस पे चलते हैं। उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सिमिलर और इक्विनिमियस सेट्स को देखना पड़ेगा। इक्विनिमियस मतलब जिसमें नंबर सेम हो, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से हमारे पास में, और दो सेट्स को सिमिलर कहा जाएगा इफ दे हैव अ बाइजेक्टिव फंक्शन बिटवीन देम, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर उनकी कार्डिनलिटी सेम है तो भी हम उनको कहेंगे कि वो इक्विनिमियस है। या फिर मैं कहूंगा फाइनाइट टर्म्स में बात करें फाइनाइट सेट के लिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि वो जो है सिमिलर है। अब क्यों जरूरी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना, यहाँ पर ये फर्स्ट वन ग्रेटर देन है। अगर सेट ए के अंदर मेरे बी से ज्यादा है, डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं दे आर ग्रेटर देन सेट, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो वहां पर फंक्शंस वाले में कि अगर ऐसा है तो हमारे पास में इंजेक्टिव फंक्शन, देर विल नॉट एग्जिस्ट द इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं बनेगा, और इंजेक्टिव नहीं होगा तो बाइजेक्टिव की तो बात ही नहीं कर सकते हम, यानी कि सिमिलर नहीं होंगे। दूसरा इफ ए इज लेस देन बी, ये भी हमने पढ़ा था, अगर लेस देन है डोमेन के अंदर एलिमेंट्स तो हम कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं बना सकते जो सर्जेक्टिव हो, सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं बना पाएंगे तो बाइजेक्टिव तो बात ही नहीं करनी, यानी कि अगर लेस देन इक्वल देन होता है तो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनेगा, तो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो सिमिलर फंक्शन भी नहीं बनेगा, इसलिए कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। आगे बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की। अब होता क्या है कि एक कोई भी आपके पास सेट है, उस आपसे पूछा कि वो फाइनाइट है कि नहीं है, उसके अंदर हम कहेंगे कि हाँ फाइनाइट है और एन एलिमेंट है, कब, इफ द सेट इज सिमिलर टू अनदर सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। कोई आपके पास सेट है जिसमें एन एलिमेंट्स है, उसके सिमिलर अगर मेरा सेट हो जाए तो मैं अपने पहले वाले सेट को कहूंगा कि वो भी फाइनाइट है, और ये जो एन था जो सिमिलर हुआ यहां से जो एन आया मेरे पास में, दिस विल बी कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ एस, और वी कैन ऑल्सो से कार्डिनेलिटी ऑफ एस। ठीक है, उसके बाद एमपीटी सेट को भी कंसिडर्ड किया जाता है फाइनाइट ही, और इसका कार्डिनल नंबर मान लिया जाता है जीरो। अब जो सेट्स फाइनाइट नहीं है उनको हम लोग क्या कह देते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि भाई ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। आगे चलते हैं, अब एक टर्म आते हैं काउंटेबल इनफाइनाइट। अब देखिए दो चीजें हुई, हमने फाइनाइट पढ़ा और जो बाकी बच गए उनको हमने कहा इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट से हम समझते हैं अनंत, बिल्कुल जिसकी कोई सीमा ना हो, हमारे पास कोई नंबर ना हो, इतने एलिमेंट्स, आई कांट गिव यू अ नंबर के इतने एलिमेंट्स हैं, तो उसको इनफाइनाइट कहते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा ब्रेक किया जाता है, इसके अंदर होता है काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है, और दूसरा इसको ब्रेक किया जाता है अनकाउंटेबल के अंदर। अभी जो फाइनाइट था और काउंटेबली इनफाइनाइट था, देखो काउंटेबली कह रहा है यानी कि वी कैन काउंट देम, और फाइनाइट को तो हम काउंट कैसे सकते हैं, तो इनको कलेक्टिवली कहते हैं काउंटेबल, काउंटेबल सेट्स कहते हैं इनको, और उसके बाद जो भी बच गया जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको कहते हैं अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल का कैसे पता चलेगा, काउंटेबल इनफाइनाइट का कंसेप्ट देखिए, हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स बचपन से पढ़े हैं, 1 2 3 होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्यों कहते हैं इनको, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में कोई भी चीज 1 से शुरू होती है ना, और क्योंकि इनकी हेल्प से हम काउंटिंग करते हैं तो इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। अब किसी भी सेट को काउंटेबल इनफाइनाइट कहेंगे तो पहले तो चीज इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मैं बता ना सकूं कि इतने एलिमेंट्स हैं। दूसरी बात है वो काउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल मतलब नेचुरल नंबर्स के सेट के एक सिमिलर होना चाहिए, इक्विनिमियस होना चाहिए। तो कोई भी सेट आपके पास है उसको आप कहेंगे कि भाई ये काउंटेबल है अगर इट इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ काउंटेबली काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, मतलब क्या है, आपके पास जो सेट है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उसके आप हर एलिमेंट को नेचुरल नंबर के फंक्शंस के रूप में लिख सके, कि तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट का फंक्शन नेचुरल नंबर्स के, ऐसे आपके पास हर एलिमेंट का एक फंक्शन आपके पास में मिल जाना चाहिए, तो आप कहेंगे कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट है। ये बात हमने कर ली कि फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट को मिलाकर हमारे पास में काउंटेबल सेट्स बनते हैं। ठीक है, आगे चलिए अब देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स क्या होते हैं। तो काउंटेबल सेट का मतलब हमने अभी देखा, सेट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल इफ इट इज ईदर फाइनाइट, फाइनाइट है तो भी काउंटेबल कहेंगे, और काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट है तो भी उसको काउंटेबल सेट ही कहेंगे। अब उसके बाद जो बच गया जिसको हम बिल्कुल काउंट आउट नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल सेट। अब थोड़ा सा देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो तो खुद अपने आप के इक्विवेलेंट होगा ही, आप काउंट कर सकते हैं ना। अब देखिए इनफाइनाइट है, सो यू मैं आपसे पूछूं कि सेट नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट्स आते हैं, आप कहोगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप काउंटिंग करनी शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7 8,
आप कभी रुक नहीं पाओगे, कहीं पहुंचोगे नहीं, पर काउंटिंग तो कर सकते हो ना, आपको पता है अगला एलिमेंट क्या है, नो व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट, इसलिए इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, को काउंटेबल सेट कहेंगे हम। दूसरे देखिए, आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स, मैं आपके पास कह रहा हूँ, उससे पहले अच्छे होल नंबर्स देखिए। होल नंबर्स में क्या होता है, आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जाता है। अब क्या है, नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन बनना चाहिए, है ना, तो इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं मैं। तो आप देखिए, मैं फंक्शन बनाता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से होल नंबर पे। फंक्शन क्या बनाया मैंने, कि आप जो भी इसके अंदर इनपुट डालें आपके पास एक्स माइनस वन आ जाए, ठीक है। तो आप एफ ऑफ वन निकालेंगे तो आपके पास जीरो आएगा, ये बन गया एलिमेंट। आप एफ ऑफ टू निकालेंगे तो आपके पास में वन आएगा, दूसरा एलिमेंट। एफ ऑफ थ्री निकालेंगे तो आपके पास में टू आएगा, ऐसे सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं ना। सो देर इज अ वन वन एंड ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन, तो इट इज ऑल्सो काउंटेबल। अब इंटीजर्स की बात देख लेते हैं जरा। इंटीजर्स में क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 ऐसे करके होते हैं। अब इसमें क्या है, क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं, पहले तो सीधी बात है, काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, हर नेचुरल, जितने नेचुरल नंबर को काउंट करते जाएंगे उतने ही दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, यानी कि मैं इनको काउंट कर सकता हूँ, आई कैन काउंट देम अगेन। मेरे पास कोई आंसर नहीं आएगा कि कितने हैं, लेकिन आप चाहो तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसे आप काउंट करते जा सकते हैं, ठीक है। एक सीरीज है आपको जिसको पकड़ के चलना है, यू नो व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर सीरीज में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है फर्स्ट एलिमेंट को इधर मैप कीजिए, जो सेकंड एलिमेंट को इधर मैप कीजिए, थर्ड एलिमेंट को इधर मैप कीजिए, फोर्थ सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इधर मैप कीजिए, फिफ्थ एलिमेंट को इधर मैप कीजिए। तो आप सारे नेचुरल नंबर्स को कहीं ना कहीं पर मैप कर पाएंगे, इस तरह से इंटीजर भी काउंटेबल हो गए। एक और देखिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये काफी मजेदार होता है। रेशनल नंबर को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, देखिए रेशनल नंबर में क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक हो गई बात। अब किस तरह से हो सकते हैं, देखो 1/1 होगा, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से चलेंगे इधर नंबर्स, ठीक है, सारे पॉसिबल हम जो है लिखेंगे। फिर किधर क्या हो सकता है, 2/1 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, और 2/4 हो सकता है, आगे चलता रहेगा ऐसे। इधर 3/1 हो सकता है, 3/2 रेशनल नंबर, 3/3, 3/4 आगे चलता रहेगा। और इसी तरह से आप, क्या हम सारे नेचुरल, सारे रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं ना, आप इस पैटर्न पे लिखेंगे तो आपको नेचुरल रेशनल नंबर सारे मिल जाएंगे। अब क्या है, मैं फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे मैप करूंगा, अपने फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे मैप किया, उसके बाद मैं इधर घूम के इधर आया, सेकेंड एलिमेंट को यहाँ पे मैप करूंगा नेचुरल नंबर्स के, थर्ड एलिमेंट को यहाँ पे मैप करूंगा, फोर्थ एलिमेंट को यहाँ पे, फिफ्थ एलिमेंट को यहाँ पे, सिक्स्थ एलिमेंट को यहाँ पे, सेवेंथ एलिमेंट को यहाँ पे, एट्थ एलिमेंट को यहाँ पे, नाइन्थ एलिमेंट को यहाँ पे, और इस तरह से जो है आप सारे के सारे जितने नेचुरल नंबर्स हैं सबको जितने भी रेशनल नंबर हैं उन सबको एक एक नेचुरल नंबर असाइन कर सकते हैं ना भाई, ये 1, 2, 3, यानी कि आप इनको भी काउंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई रेशनल नंबर्स आर काउंटेबल सेट, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल। अब जब उससे आगे गए, बोले इरेशनल नंबर के बारे में क्या ख्याल है, इरेशनल नंबर जो होते हैं हमारे पास उनको हम लोग जो है काउंट नहीं कर सकते, वी कांट दे, और इन मैथमेटिकल टर्म्स आई विल से देयर इज नो बाइजेक्टिव फंक्शन बिटवीन सेट ऑफ इरेशनल नंबर एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका मतलब व्हाट इट मींस, इरेशनल नंबर आर नॉट काउंटेबल, अनकाउंटेबल कोई डेफिनेशन नहीं हमने देखी, हमने बस कहा जो काउंटेबल नहीं है उसको अनकाउंटेबल कहेंगे। दैट्स व्हाई इन द नेक्स्ट लाइन आई विल से इरेशनल नंबर आर अनकाउंटेबल, ठीक हो गया बात। अब देखिए अनकाउंट, थोड़ा कंसेप्ट ऐसे रखिए, काउंटेबल जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हैं, है ना। अनकाउंटेबल मैंने रेत दे दिया आपको ऐसे मुट्ठी में, रेत काफी सारा, और मैंने कहा इसके पार्टिकल्स काउंट करो, है ना, अनकाउंटेबल थिंग, ऐसे थोड़ा कंसेप्ट बनाइए। अनकाउंटेबल का कोई एग्जाम्पल दिमाग में रखिए, मैंने कहा एटम्स जितने उनको आप काउंट कीजिए, वो कैसे है सेट, अनकाउंटेबल है। ऐसे थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल रखेंगे तो आने वाली जो अर्थमेटिक ऑफ काउंटेबल सेट्स है एग्जाम्पल्स, उनको करना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा, ठीक हो गया बात। अब मेरे पास में रेशनल नंबर थे और इरेशनल, ठीक है, इनको मैंने जब ऐड करते हैं तो हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं, ठीक हो गई बात।
अब आप ये देखिए, रेशनल नंबर काउंटेबल थे और ये थे अनकाउंटेबल, ठीक है। अब मैंने कुछ काउंटेबल चीजें जिनको मैं गिन सकता हूं, उनको मैंने किसके अंदर ऐड कर दिया, मैंने रेत के मुट्ठी मुट्ठी भर रेत के अंदर ऐड कर दिया। अब मैंने कहा टोटल जितना भी आपके पास सामान है उसको काउंट करो। आप सोचिए जो टोटल सामान बनेगा, काउंटेबल चीजें तो काउंटेबल है, लेकिन उसके अंदर कितना सारा हाथ में रेत था, सारे को क्या आप काउंट कर पाएंगे, है ना। मैंने कुछ काउंटेबल चीजें आपको दी, इधर फाइनाइट और इनफाइनाइट, उनको मैं गिन सकता हूँ। और मैंने रेत मुट्ठी भर रेत के अंदर उसको डाल दिया कि भाई अब टोटल जितने भी आपके हाथ में सामान है उसको गिनो, तो व्हाट इज विल बी द टोटल रिजल्ट, दैट विल ऑल्सो बी अनकाउंटेबल, है ना। यानी कि जो रियल नंबर्स होते हैं दे आर ऑल्सो अनकाउंटेबल, ये काम की बात है, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मेरा फेवरेट है अनकाउंटेबल एग्जाम्पल्स का, कि अगर आप कहीं पर भी ऐसे आपने लाइन मार दी और मैंने पूछा इसके जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑन दिस लाइन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अब एक लाइन के अंदर कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, टिक 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 दे आर अनकाउंटेबल। तो आपको कोई बोले कि आपको 1 सेकंड है और अनकाउंटेबल सेट का एग्जाम्पल देना, आप ऐसे कर दो, अनकाउंटेबल सेट का एग्जाम्पल हो गया आपके पास, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अभी आपको जो पीडीएफ स्टडी मटेरियल क्लासरूम से ले लीजिएगा, हमारी प्लेलिस्ट को देख लीजिए, बाकी के वीडियोस मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे डिस्कशन होगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी बात है। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।